Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to others. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers, I hope all are fine. This is Mobushar Iqbal Chohan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट लॉ ऑफ एविडेंस कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 हमारा टॉपिक या क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन परेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से और अभी रिसेंटली एक ऐसा सानिया भी हुआ जहां पर मुलजमान को आइडेंटिफिकेशन परेड की वजह से ही कोर्ट ने बरी कर दिया वो वाकया था साईवाल का सानिया जहां पर कुछ पुलिस वालों ने उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने कुछ लोगों को गाड़ी के अंदर गोलियां मारी हैं और उनका अपनी ये उनकी ये प्ली थी कि हमें भी हमारे ऊपर भी काउंटर फायरिंग हुई थी तो जिसके तबादले में हमें भी इनके ऊपर फायरिंग करना पड़ी तो वो बेसिकली एक वाकया था जहां आइडेंटिफिकेशन परेड की वजह से ही तमाम मुलजमान को बरी कर दिया तो आइडेंटिफिकेशन परेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक है लॉ ऑफ एविडेंस का और स्पेशली ऐसे केसेस जहाँ पर जो मुलजम है जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम है उसको विक्टम पार्टीज़ जानती ना हो पहचानती हो यहाँ पर जो काबिल ज़िक्र बात है वो जानती ना हो पहचानती हो उनको पता हो अगर फ़र्ज़ माल एक शख्स पुलिस को एफआईआर देता है कि मेरे साथ डिकेटी हुई मेरे साथ रॉबरी हुई मेरे साथ मुझे किसने फायर मारा मैं उसको बाई नेम नहीं जानता लेकिन मैं सामने आने पर उसको पहचान सकता हूँ मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूं अगर वो मेरे सामने आता है तो मैं उसको जज कर सकता हूं मैं उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकता हूं या कोर्ट के सामने कोई शख्स जाकर ये कंप्लेंट देता है कि मेरे साथ एक शख्स ने ये किया लेकिन उसको जानता नहीं पहचानता नहीं बट सामने आने पर मैं उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकता हूं मैं उसको पहचान सकता हूं तो ऐसी सूरत में जब केस प्रोसीड होगा जब अदालत उस केस को आगे फर्दर प्रोसीड करेगी तो वहां पर जज साहब आइडेंटिफिकेशन परेड को हेल्ड करवाएंगे तो उस विटनेस को उस विक्टम को अगर विक्टम है तो विक्टम को अगर कोई विटनेस है तो विटनेस को डमीज खड़ी होंगी डमी से मुराद ये नहीं कि ये जो बेजान डमीज हैं इंसानों के ही डमीज जैसे कि वो विटनेस जो अक्यूज है जिस तरह का अगर उसकी बियर्ड है छोटी छोटी दाढ़ी है उसके मूछ है तो सेम उसी तरह के लोगों को उसी की हाइट के बराबर उसी की फिजिक के जितने यानी अगर वो मोटा है तो बाकी लोग भी मोटे अगर वो पतला है तो बाकी लोग भी पतले अगर उसने दाढ़ी रखी हुई तो बाकी लोगों की भी दाढ़ी होगी जितनी दाढ़ी उसकी है बाकी भी इस तरह के लोग ढूंढे जाएंगे जो उसकी दाढ़ी के मुतरादिफ हो कि दाढ़ी और उनकी दाढ़ी बिल्कुल एक जैसी हो उन तमाम लोगों को एक लाइन के अंदर खड़ा करवा दिया जाएगा और मजिस्ट्रेट साहब उनकी उस विटनेस से उस विक्टम से उनकी आइडेंटिफिकेशन करवाएंगे मकसद इसका मतलब इसका पर्पज़ इसका ये है कि ये जांचा जाए ये देखा जाए कि जिसके ऊपर इसने इल्ज़ाम लगाया या जो इल्ज़ाम लगाया वो वाकई ही हकीकत बेस है क्या ये उन मुलजमान को पहचान सकता है या नहीं पहचान सकता उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकता है या नहीं कर सकता तो इन तमाम चीज़ों को जाँचने के लिए इनकी वर्थ को पहचानने के लिए आइडेंटिफिकेशन परेड को होल्ड किया जाता है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एज यूजल मैं आपको बताता चलूँ अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कराना ना भूलें ताकि मेरे ऐसे फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें मजीद बरा मैं अपने लेक्चर्स के नोट्स का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा वहाँ पर जाकर आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही मैं अपने कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप्स का और अपने बाकी सोशल मीडिया ग्रुप्स का लाइक फेसबुक पेज मेरे इंस्टाग्राम पेज उनके लिंक्स भी मैं दे दूंगा क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगी तो उनको भी लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें अपने लेक्चर्स की फ़ीस बताता चलूँ मेरी फ़ीस को ज़रूर पे किया करें ये आपके लिए सोसाइटी के लिए माशरे के लिए बहुत बेहतर है मेरी फ़ीस कुछ यूँ है फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये आपने डोनेट करने हैं सेकंड स्टेप कम से कम दो लोगों की आपने हेल्प करनी और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे शुरू करते हैं हमारा लेक्चर आइडेंटिफिकेशन परेड क्या है कैसे करवाई जाएगी कैसे होल्ड होगी किस तरह से इसको करवाया जाएगा किस तरह से कौन करवाएगा कहाँ पर करवाएगा किस जगह पर करवाएगा कितने लोग होंगे जिनके सामने इसको किया जाएगा कैसे इसको किया जाएगा इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन परेड जैसे कि इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका जो इसका रिलाय प्रोविजन है जो रिलाय आर्टिकल है लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर या कानून शहादत 1984 के अंदर वो है आर्टिकल 22 कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 इंपॉर्टेंस ऑफ मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंजर ऑफेंडर हु इज नॉट प्रीवियसली नाउन टू द विटनेस जैसे कि हमने आपको बताया कि कुछ शख्स अगर विटनेस को
या विक्टिम किसी शख्स को नहीं जानता या विक्टिम किसी शख्स को नहीं जानता लेकिन उसको सामने आने पर पहचान कर सकता है, सामने आने पर उसको पहचान सकता है अगर उसको उसके सामने लाया जाए, तो ऐसी सूरत में इसलिए आइडेंटिफिकेशन करवाई जाती है कि विटनेस या जो विक्टिम है ये किसी और शख्स का, किसी गलत शख्स का नाम ना ले दे या किसी और को फंसा ना दे। तो 9-10 लोगों के दरमियान में से उस एक अक्यूज को भी खड़ा किया जाएगा और जो विटनेस है या जो विक्टिम है उनको वन बाई वन सभी की शिनाख्त करवाई जाएगी कि आप सभी इन सब में से पहचाने कि जो शख्स जिसने आपके साथ जुर्म किया, जो ऑफेंडर है जिसको आप पर्सनली नहीं जानते लेकिन सामने आने पर पहचान कर सकते हो, तो इन 9 में से पहचान कर हमें बताएं कि वो शख्स कौन था ताकि हम उसको आगे फर्दर प्रोसीड कर सकें। इंपॉर्टेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन पीरियड। आइडेंटिफिकेशन पीरियड इज अ प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई द अक्यूज बाई द विटनेस अंडर द कस्टडी ऑफ मजिस्ट्रेट। इट इज एडमिसिबल एविडेंस इन द कोर्ट। जो आइडेंटिफिकेशन पीरियड है ये विटनेस से करवाई जाएगी या विक्टिम से करवाई जाएगी। अगर विक्टिम कहता है कि मैंने एक शख्स के मेरे साथ ये हुआ लेकिन मैं उसको जानता नहीं, तो उससे भी करवाई जाएगी, विटनेसेस से भी करवाई जाएगी। जो विटनेस ये कहेंगे हमने उस शख्स को देखा है बट हम उसको पर्सनली नहीं जानते बट सामने आने के ऊपर हम उसको पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, तो ऐसी सूरत में मजिस्ट्रेट अपनी सुपरविजन में, अपनी निगरानी में, अपने वहां पर मौजूद होते हुए उसकी आइडेंटिफिकेशन पीरियड करवाएगा उन विटनेसेस से या उन विक्टिम से। When identification period should be conduct, identification period should be conduct at the earliest possibility time because the witness to identify the accused easily. As by lapse of time, the memory may fade. Identification period held after 12 to 15 days loses its evidential value. जो identification period है वो 12 से 15 दिन के दरमियान, मतलब बहुत जल्दी अर्लीस्ट टाइम पॉसिबिलिटी के अंदर ही इसको होल्ड करवाना, इसको हेल्ड करवाना जरूरी है ताकि विटनेस भूल ना जाए, उसकी मेमोरी लॉस ना हो जाए, तो तभी ही इसकी एविडेंशियल वैल्यू बनेगी। हु कंडक्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड, कौन करवा सकता है आइडेंटिफिकेशन पीरियड? आइडेंटिफिकेशन पीरियड इज कंडक्ट बाय मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन टू डू सो। वो मजिस्ट्रेट जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो केस आता है वो इस आइडेंटिफिकेशन पीरियड को हेल्प करवा सकता है। मोड्स ऑफ कंडक्टिंग आइडेंटिफिकेशन पीरियड। आइडेंटिफिकेशन पीरियड इज कंडक्टिंग और कैरिड आउट बाय मॉडर्न डिवाइसेस ऑफ लाइक टेप रिकॉर्डर, कैमरास, वीडियो, ऑडियो, मैप्स एट्सेट्रा, या इन सम अदर केसेस डॉग्स, जो ट्रेन डॉग्स होते हैं, जो कुत्ते शिनाख्त करते हैं, उनसे भी ये करवाई जा सकती है, और मॉडर्न डिवाइसेस, कैमराज, ऑडियो, वीडियो, ट्रैप्स वगैरह, इनसे भी इसकी आइडेंटिफिकेशन पीरियड करवाई जा सकती है। स्कोप ऑफ आइडेंटिफिकेशन पीरियड, इसका स्कोप वाइडली है, ब्रॉडली है, इतना कम नहीं है, सिविल और क्रिमिनल दोनों फील्ड के अंदर इसका स्कोप बेहतर है। रूल्स रिलेटिंग टू आइडेंटिफिकेशन पीरियड। अब जो आइडेंटिफिकेशन पीरियड होगी उसके रूल्स कौन से हैं, किन किन रूल्स के ऊपर अमल करना होगा? सबसे पहले टाइम जो है अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी, जब एप्लीकेशन आई मजिस्ट्रेट के पास या केस आया तो उसकी एज सुन एज अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी के अंदर इनिशियली तौर के ऊपर 12-15 दिन के अंदर इसको हेल्ड करवाया जाएगा ताकि जो विटनेस है या जो विक्टिम है उनकी मेमोरीज लॉस ना हो जाए और ये ना हो कि वो एक्चुअल मुलजम को भी ना पहचान पाए जिससे मुलजम जो है वो बरी हो जाए। सुपरविजन, इट इज ऑलवेज सुपरविजन बाय द मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन टू डू सो। ये हमेशा उस मजिस्ट्रेट की सुपरविजन में होगी जो उस इलाके की जुरिस्डिक्शन रखता है, जो उस इलाके के अंदर दायरा इख्तियार रखता है। प्लेस, इट इज कंडक्ट जनरली इन जेल और सम अदर सिक्योर प्लेस। ये आम तौर के ऊपर जेल में या और इसके अलावा जो सिक्योर प्लेसेस है वहां के ऊपर भी कंडक्ट करवाई जा सकती हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आफ्टर बिगनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन पीरियड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और एनी पुलिस ऑफिसर और अदर हेल्प इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शुड नॉट हैव एनी एक्सेस टू आइडेंटिफाइंग विटनेस। कोई भी पुलिस वाला, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई और शख्स जो हेल्प करने वाला है वो विटनेस की हेल्प नहीं करेंगे कि आप इस शख्स को पहचान लें, ये मुजरम है, तो उन कोई भी पुलिस वाला वहां पर मौजूद नहीं होगा, सिर्फ विटनेस होगा, जज साहब होंगे और वो डमीज होंगी जो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कैसी वो डमीज होंगी, या वो विक्टिम होगा जो उन शख्स को पहचान करेगा, जज साहब उसके तमाम इमोशंस, उसके तमाम जो स्किल्स हैं वो उसको इन राइटिंग भी ला रहे होंगे, और अब तो वीडियो भी बनती है, वीडियो के अंदर भी देखा जाता है कि इसके जो इमोशंस हैं, इसके जो गेस्चर्स हैं, जो पहचानने वाला विटनेस है या जो विक्टिम है इसके कैसे हैं, क्या ये सही बंदे को पहचान रहा है या गलत बंदे को पहचान रहा है, तो ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं, लिखी जाती हैं। कंप्लेंट एज अ विटनेस, इफ अ कंप्लेंट इज हिमसेल्फ अ विटनेस ओनली देन ही कैन पार्टिसिपेट इन द पीरियड। अगर विटनेस कंप्लेंट के थ्रू शामिल हुआ है केस में तो सिर्फ वही विटनेस होगा और जज साहब होंगे और वो डमीज होंगी और इनके अलावा कोई भी दूसरा शख्स नहीं होगा। सेपरेशन ऑफ विटनेस फ्रॉम ईच अदर, फॉर होल्डिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन पीरियड इट इज नेसेसरी डैट विटनेस शुड बी किप्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर और डैट नॉट शेयर एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट अक्यूज। लाइक 3 या 4 विटनेस हैं, अब उन्होंने एक अक्यूज को पहचानना है, तो ये नहीं कि तीनों चारों विटनेस को इकट्ठे लाया जाएगा उस एरिया पर जहां पर वो डमीज और वो मुलजम खड़ा है। एक विटनेस को लाया जाएगा, अगर उसने मुलजम को पहचान लिया है तो उसको दूसरे गेट से निकाला जाएगा या दूसरी साइड पर खड़ा किया जाएगा ताकि वो बाकी विटनेस को बता ना सके कि फलां शख्स के ऊपर या फलां नंबर के ऊपर जो शख्स खड़ा है वो अक्यूज है या फलां हुलिया के अंदर जो शख्स है वो अक्यूज है, तो
तो इस तरह से आइडेंटिफिकेशन परेड अगर तीन चार पांच लोगों ने करनी है, तीन चार पांच लोगों ने अगर पहचानना है, तो उन सबको एक ही जगह के ऊपर नहीं रखा जाएगा। पहले एक को लाया जाएगा, उसको दिखाया जाएगा, वो आइडेंटिफिकेशन करने के बाद बाहर चला जाएगा, फिर दूसरे को लाया जाएगा, और जब तक चारों मुकम्मल नहीं हो जाते या तीनों मुकम्मल नहीं हो जाते, उनको इकट्ठा नहीं किया जाएगा ताकि वो अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर ना कर सके। सेपरेशन ऑफ विटनेस फ्रॉम अक्यूज, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू होल्डिंग आइडेंटिफिकेशन प्लेस दैट विटनेस शुड बी कीप्ट सेपरेट फ्रॉम ईच फ्रॉम अक्यूज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम प्लेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन पीरियड दैट दे कैन नॉट सी अक्यूज और अदर कंसर्न पर्सन अनटिल दे आर कॉल्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन पीरियड। जब आइडेंटिफिकेशन पीरियड को करवाना होगा, अभी शुरुआत उसकी होगी, तो जो विटनेस हैं, जो विक्टम हैं, उनको मुलजम से दूर रखा जाएगा, इतना दूर जहां से वो मुलजम को देख ना पाए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, 9 लोग हैं, अब मुलजम की छोटी छोटी दाढ़ी है, बाकी 9 लोग भी ऐसे मुंतखब किए जाएंगे जेल से ही जिनकी छोटी छोटी दाढ़ी होंगी, उन 9 को आपस में खड़ा कर दिया, मुलजम को तीसरे नंबर पर खड़ा कर दिया, चौथे पर या पांचवे पर या उनके अंदर किसी भी जगह के ऊपर खड़ा कर दिया। तो अब मुलजम उस वक्त जो विटनेस है, जो मदई है, वो वहां पर मौजूद ना हो, ताकि वो मुलजम को पहले से देख ना ले और आके बारी बारी उसको पहचानते जाए। तो लिहाजा जैसे आप उस मुलजम को लोगों के अंदर मिक्स करके खड़ा करेंगे, ताकि आइडेंटिफिकेशन पीरियड का जो प्रोसेस है, जो इसका प्रोसीजर है, वो बेहतर तरीके से परफॉर्म किया जा सके, उसको बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई करवाया जा सके। बिगनिंग ऑफ विटनेस एज अ आइडेंटिफिकेशन, इट इज नेसेसरी डेट विटनेस शुड बी ब्रॉट सेपरेटली फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन पीरियड। जो विटनेस है वो आइडेंटिफिकेशन पीरियड से सेपरेट हो, मतलब कि वहाँ पर मौजूद ना हो जब आइडेंटिफिकेशन पीरियड हो। एक आया, फिर वो एक साइड पर ले जाए, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, तो इस तरह से उनकी आइडेंटिफिकेशन पीरियड करवाई जाएगी। डमीज, फॉर वन अक्यूज देयर शुड बी अ सीरियल ऑफ 1 to 9 डमीज, यानी कि 9 कम से कम लोग हों, अगर एक अक्यूज है तो उसके अंदर 9 और लोग शामिल हों, कम से कम 9-10 लोगों का होना जरूरी है, जो सेम अक्यूज के हुलिये के हों, उसकी फिजिक अक्यूज के साथ मिलती हो, उनका फेस गेस्चर्स, उनकी फील, उनकी हाइट जो है, ये अक्यूज के साथ मिलती हो, ताकि अक्यूज को उनके साथ मिक्स कर दिया जाए। और विटनेस की वर्थ, बेसिकली इसका मकसद है विटनेस की वर्थ को जानना या विक्टम की वर्थ को जानना, कि आया जो जिसके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है वो उसको सही से पहचानते भी हैं, या ऐसे किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, किसी को भी वो इल्ज़ाम लगा सकते हैं, किसी को भी मुजरम ठहरा सकते हैं। तो 9-10 लोगों में से अगर वो सही बंदे तक पहुंचते हैं, सही बंदे को पहचानते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन पीरियड का सही पर्पस और मकसद पूरा होता है, और ये क्रोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर अच्छी खासी हैवी, जिसकी बुनियाद के ऊपर प्रिंसिपल पनिशमेंट जो है वो अवार्ड की जा सकती है। तो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन पीरियड का मकसद जो है ये देखना है कि जिसके ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, आया ये उसको पहचानते भी हैं या नहीं, या किया किसी और ने, या इनके माइंड के अंदर गैस कोई और आ गया, इनके माइंड के अंदर स्केच कोई और आ गया, उन्होंने इल्ज़ाम किसी और के ऊपर लगा दिया, या जब इन्होंने ये जानते नहीं है एक मुलजम को बाई नेम, बाई एड्रेस, बाई एनी अदर प्रोसेस, इन्होंने उसको मुलजम को बाई फेस देखा हुआ है, तो आया ये इनके अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतना वर्थ है कि वाकई उस शख्स को पहचान सके, कि ये नहीं कि किसी का भी नाम ले दे, किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दे, ताकि किसी को नाजायज ना फंसाया जा सके, एक्चुअल और जिस शख्स ने वो जुर्म किया है उस तक ही पहुंचा जा सके। तो आइडेंटिफिकेशन पीरियड का मतलब बेसिकली विटनेस या विक्टम की मेंटली वर्थ को भी जानना है, कि जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसको ये आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, 2-4 लोगों में, 7-8 लोगों के अंदर, या ऐसे किसी का भी ये नाम ले देंगे, किसी के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगा देंगे। एविडेंशियली वैल्यू ऑफ आइडेंटिफिकेशन पीरियड, क्रोबरेटिव वैल्यू, इसकी क्रोबरेटिव वैल्यू है, अगर कोई शख्स आइडेंटिफाई कर लेता है तो ये क्रोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस साबित होगी। एडमिजिबल एविडेंस, ये जो एविडेंस है ये एडमिजिबल बिफोर द कोर्ट होगी, और इसकी एडमिजिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता, और इसके ऊपर भी प्रिंसिपल पनिशमेंट अवार्ड की जा सकती है, तब वक्त तक इसको गलत साबित ना कर दिया जाए। नेक्स्ट हेडिंग है जी, प्रीक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अगले लेक्चर्स के अंदर हाजिर हूँगा एक नई सीरीज के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।